हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी रेबस के बारे में। स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी रेबस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने देर यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। तो स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी रेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं को नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी टेबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी एमआरपी 240। स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी टेबलेट को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। स्पोरिडॉक्स सीवी 375 एमजी टेबलेट के अंदर इंग्रीडियंस की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंस है सिपालेक्सिन एक्सटेंड रिलीज एंड क्लाउनेट पोटेशियम टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो सिपालेक्सिन है वो 375 एमजी प्लस क्लाउनिक एसिड्स 125 एमजी इसके अंदर डाले गए हैं। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से है, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। यह बैक्टीरिया को मारता है जिसमें आपके लक्षणों को बेहतर बनाने में और इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स का डोज और डोजन की बात करें तो इसका डोज और डोजन आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोजन अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में आपको सोचता है आपको डायरिया, दस्त होना, मछली आना, उल्टी होना, अपच होना, पेट में दर्द होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स इस प्रोडक्ट सी वी टेबलेट्स। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि सिपालेक्सिन और क्लाउनिक एसिड्स। सिपालेक्सिन एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से यह बैक्टीरिया प्रोटीन कवरिंग कोशिका जल्दी बनाने से बचाकर बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। क्लाउनिक एसिड्स एक बीटा लैक्टामेस अवरोधक है। यह दवा एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एंजाइम्स बीटा लैक्टामेस को ब्लॉक करने का काम करती है। यह प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स की गतिविधि को इंक्रीज करता है। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल बीएससी फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। इस प्रोडक्ट सी वी 375 एमजी टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।